बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे दही बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से बहुत गाढ़ा और बिल्कुल थिक दही घर में बनाया जाए। मेरी बहुत सी बहनों का ख्याल है कि घर में दही नहीं जमाया जा सकता, अगर जमाए तो सही नहीं जमता, या तो दही बहुत ज्यादा पतला बनता है, या फिर पानी छोड़ देता है, या फिर बहुत ज्यादा खट्टा बनता है। अगर आप ये रेसिपी आखिर तक देख लेते हैं तो आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे और बहुत मोटी बलाई के साथ बहुत थिक दही बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर बलाई वाला दही जमाना चाहते हैं तो कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने पैन में 1 लीटर कच्चा दूध शामिल किया है जो कि गाय का है और फुल क्रीम मिल्क है। आप भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही जमाने की क्वालिटी दूध पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आपके यहाँ गाय या भैंस का दूध खालिस आता है तो बहुत अच्छी दही बनकर तैयार होगी। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ दूध पतला आता है, यानी कि गवाले ने ज्यादा मिलावट कर दी है पानी की, तो फिर आपको दूध थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। लकीली हमारे यहाँ गाय का दूध तकरीबन खालिस ही आता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिलावट तो होती ही है। इसलिए मैं दूध में एक उबाल सा आ जाने के बाद इस तरह उछालते हुए मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए और हमारी दही बहुत थिक बनकर तैयार हो। अगर आप समझते हैं कि आपके यहाँ दूध थोड़ा पतला आता है तो फिर आप इस तरह उछालते हुए तकरीबन 10 मिनट पका लीजिएगा। और अगर बिल्कुल गाढ़ा आता है, यानी कि आप समझते हैं कि इसमें बिल्कुल पानी की मिलावट नहीं है, तो फिर आप उसी तरीके से इस्तेमाल कर लीजिएगा। यानी कि आपको फिर इस तरह 5 या 10 मिनट पकाने की ज़रूरत नहीं है। उछालते हुए इसलिए पकाते हैं ताकि इसमें झाग अच्छे से बन जाए और दूसरा ऊपर बलाई ना आए। अगर आप बलाई के बगैर दही जमाना चाहते हैं तो फिर इस तरह उछाल कर पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप चमचा चलाते हुए दूध को पका लीजिएगा। दूध को उछालते हुए तकरीबन 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। दूध बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब इस तरह दूध के पैन को ठंडे पानी से भरे थाल में रखेंगे और इस तरह उछालते हुए ठंडा करेंगे ताकि झाग भी बहुत अच्छे से बन जाए और दूध भी बहुत जल्दी से ठंडा हो जाए। यानी कि जो हमारी दूध ठंडा करने की रिक्वायरमेंट है, बीच में थाल का पानी एक आध बार बदल लेंगे ताकि दही जमाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध जल्दी ठंडा हो जाए। अगर बगैर बलाई के दही बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप ऐसे ही जाली ढककर दूध को ठंडा करने रख दीजिए, या फिर अगर आपको जल्दी है दूध ठंडा करने के लिए तो फिर इसी तरीके से थाल में पानी भर के जाली ढक के दूध को रख दीजिएगा। और जब दही की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध ठंडा हो जाए तो आगे जो मैं प्रोसेस बताऊंगी उस प्रोसेस से दही जमा लीजिएगा। फ्रेंड्स, दूध काफी हद तक ठंडा हो गया है, लेकिन अभी दही की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गर्म है। दूध को ठंडा करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। फ्रेंड्स, मैं दूध जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी कि कनाली का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दूध को इस तरह से कनाली में शिफ्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप गर्मियों में दही जमाते हैं तो कनाली यानी कि मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में बहुत अच्छे से कनाली वगैरह में दही जमकर तैयार हो जाता है और दूसरा मीठा दही बनकर तैयार होता है, यानी कि दही में खटास पैदा नहीं होती। अब फ्रेंड्स, थोड़ी कसर बाकी थी दूध को ठंडा करने में, तो अब इस तरह से दही जमाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध को ठंडा कर लेंगे। दूध की सरफेस पर जितनी अच्छी झाग बनेगी तो दही की सरफेस पर उतनी ही मोटी और अच्छी बलाई आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप बलाई के बगैर दही जमाना चाहते हैं तो आपको इस तरह फेंटने की जरूरत नहीं है, बस दही की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध को ठंडा करके झाग लगा लेंगे। मैं आपको मिट्टी के दूसरे बर्तन में बगैर बलाई के दही बनाना बताऊंगी। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मजीद दूध को फेंटा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दूध की सरफेस पर झाग आ गई है। फ्रेंड्स, गर्मियों में जमाने के लिए जब आप दूध का टेम्परेचर चेक करें, बस आपको हल्का सा गर्म दूध फील होना चाहिए, यानी कि जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके उससे थोड़ा कम गर्म। दही जमाने के लिए ये मैंने नॉर्मल दही लिया है, यानी कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत मीठा होना चाहिए। नॉर्मल दही का इस्तेमाल करेंगे और दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेटा हुआ है। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून दही शामिल किया है। दही इसी तरह एक साइड से शामिल करना है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से जाली से ढकना है दही को। अगर आप इसको फॉइल पेपर से या किसी प्लेट से ढककर दही जमाएंगे तो क्या होगा, बलाई नहीं जमेगी।
अगर आप गर्मी के मौसम में दही जमा रहे हैं तो इसे किसी कैबिनेट में रखने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से काउंटर पे छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, दही को आपने सिर्फ 7 से 8 घंटे ही जमाना है। जब 8 घंटे तकरीबन हो जाएं तो आपने दही उठाकर फ्रिज में सेट करने के लिए रख देनी है। अगर 8 घंटे से ज़्यादा इसी तरह बाहर काउंटर पे रहने दी तो क्या होगा, दही पानी छोड़ देगी। अब ये बचा हुआ दूध मैं कोरे बर्तन में शामिल कर रही हूँ। कोरे बर्तन में और ज्यादा थिक दही बनकर तैयार होता है, क्योंकि दूध में जितना एक्स्ट्रा पानी होता है वो कोरा बर्तन सोक कर लेता है, जिसकी वजह से कोरे बर्तन में बहुत थिक दही जमकर तैयार होता है। दूध हल्का सा गर्म है, यानी कि जितनी हमारी उंगली बर्दाश्त कर सके उससे थोड़ा कम गर्म। मैंने इसमें 1 टीस्पून दही शामिल किया है, क्योंकि दूध मिट्टी के कोरे बोल में 200 ml है, तो उसी के हिसाब से 1 टीस्पून दही शामिल करेंगे। मैं बगैर पलाई के दही बना रही हूँ, इसलिए बोल को इस तरह पूरी तरह कवर कर देंगे और इसी तरीके से काउंटर पर 7 से 8 घंटे रहने देंगे। 7 से 8 घंटे में दही बहुत अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। सबसे पहले छोटे बोल की दही चेक कर लेते हैं, जो कि हमने बगैर बलाए के तैयार की है। फ्रेंड्स, कोशिश किया करें कि गर्मियों में दिन में तकरीबन 2 से 3 बजे दही जमाने रख दिया करें, तो 10 से 11 बजे रात के तैयार हो जाएगी, तो फिर फ्रिज में रख दिया करें और फिर सुबह नाश्ते में आराम से इस्तेमाल कर लिया करें। होता क्या है, रात को हम जमने के लिए रख लेते हैं, सुबह किसी न किसी वजह से देर हो जाती है, देर से उठते हैं, या फिर दही फ्रिज में देर से रखी जाती है तो क्या होता है, दही पानी छोड़ देती है। आप देख सकते हैं मिट्टी का ये बोल कितना गीला गीला सा है, इसमें बकायदा पानी सा टपक रहा है, यानी कि दूध में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारे का सारा बोल ने जस्ट कर लिया है और दही बहुत गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवा देती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतनी जबरदस्त ये दही बनकर तैयार हुई है कि चमचे से उठ भी नहीं रही है, इतनी गाढ़ी दही है। आप देख सकते हैं किस तरह दही के कतले से बने हुए हैं। अब बलाई वाली दही भी चेक कर लेते हैं। आप इसकी भी बलाई और टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि कितनी मोटी बलाई बनी है और कितना थिक दही बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।